से दीप्तनु यार, आज के इस वीडियो में मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि काफी सारे मोबाइल यूजर को देखा गया है कि अचानक से उन लोगों का इनकमिंग या फिर आउटगोइंग कॉल जो है वो अचानक से बंद हो गया है, तो इसका क्या रीजन है और इससे कैसे आप लोग मुक्त हो सकते हो, इसी के ऊपर इस वीडियो है। तो आज तक इस वीडियो को जरूर देखते रहे, आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे ही डिजिटल के ऊपर नया नया वीडियो बनाता रहता हूँ दोस्तों। तो नो मोर फर्दर डिले, चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या देखा गया है कि एयरटेल या फिर वोडाफोन या फिर जो आइडिया वाले हैं उन सारे मिल के अभी एक नया प्लान लाया है मार्केट में, वो है 35 रुपीज़ का मिनिमम बैलेंस। तो 35 रुपीज़ का मिनिमम बैलेंस जो है वो आपका जो सिम है उसमें कराना पड़ेगा अगर आप एयरटेल या फिर वोडाफोन या फिर आइडिया का यूज़र हो प्रीपेड का, तो कराना ही पड़ेगा। ये क्यों किया है, क्योंकि रिलायंस जियो ने पूरा मार्केट अभी ले लिया है और हम लोग हमेशा जाके जियो का ही रिचार्ज कराते हैं, हम भूल ही चुके हैं करीबन हमारा जो ऑल्टरनेटिव नंबर है उसको रिचार्ज करना। तो अगर आप लोग ऑल्टरनेटिव नंबर रखते हो, आप दो सिम यूज़ कर रहे हो जियो के, साइड बाई साइड दूसरा नंबर भी है आप लोगों को, तो आप लोगों को ज़रूर 35 रुपीज़ का रिचार्ज कराना पड़ेगा और वो 28 डेज़ का वैलिडिटी लेके आते हैं। तो ये आप मैंडेटरी हो गया है। अगर आप लोग ये नहीं करते हो तो क्या होएगा, पहले तो आउटगोइंग कॉल जो है वो बंद कर दिया जाएगा और थोड़ी दिन बाद इनकमिंग कॉल भी बंद हो जाएगा। इसीलिए काफ़ी सारे दोस्तों अब ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि उन लोगों के आउटगोइंग या फिर इनकमिंग कॉल आ नहीं रहे हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप तुरंत आप लोग रिचार्ज कर लो 35 रुपीज़ का मिनिमम बैलेंस जो है वो, और 28 डेज़ का आपका वैलिडिटी हो जाएगा, तब आपका इनकमिंग आउटगोइंग कॉल जो है वो फिर से ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्यों किया है आप लोगों को भी समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं भी एक जियो यूज़र हूँ, मुझे भी पता है, क्योंकि हम लोग एडिक्टेड हो चुके हैं जियो से, क्योंकि इतना सारा ऑफर जियो दे के रखे है। उसी के वजह से जो दूसरा कंपनी है उनका बिजनेस थोड़ा डाउन चल रहा है, और आप जो जितने भी एक्टिव सिम रख रहे हैं हम दूसरे ब्रांड का, तो उन लोगों ने मिलके ये फैसला लिया है। मगर आप लोग अगर जियो यूज़र हो तो आपको 35 रुपीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलवेज जियो का जो सिम है उसमें रिचार्ज करा रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को 35 रुपीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर एयरटेल वोडाफोन या फिर आइडिया यूज़र हो तो आपको डालना पड़ेगा, नहीं तो आपका सिम जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आपका नंबर जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो इसके लिए तुरंत आप लोग नज़दीक के कोई भी रिचार्ज सेंटर में जाके या फिर कहीं से भी आप लोग ये 35 रुपीज़ का रिचार्ज करा लो, ताकि आपका सिम जो है वो एक्टिव रहे दोस्तों। तो इस वीडियो में मेरे को इतना ही बोलना था, आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा बात समझ में आया होगा मेरा, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय।